इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पटना समेत देश भर के 9 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई की छापेमारी कुल 9 ठिकानों पर हो रही है, जिनमें आरजेडी विधायक के 2 और प्रेमचंद गुप्ता के दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव के 7 कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि लालू के करीबी अरुण यादव की पत्नी है किरण देवी, और इनके भी आवास पर छापेमारी चल रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में आज सीबीआई ने एक बार फिर बिहार में बड़ी कार्रवाई की है। आरजेडी की महिला विधायक किरण देवी और उनके पति अरुण यादव के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई है, और इस वक्त हम पटना के जो किरण देवी का आवास है वहां पे हैं, जहां पे सीबीआई की टीम अंदर मौजूद थी, और बाहर में जो पुलिसकर्मी यहाँ पे गेट को बंद कर दिया गया, किसी को अब अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ उनके जो भोजपुर के अंगियाव स्थित पैतृक आवास है वहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी में छापेमारी की कार्रवाई सुबह 6 बजे से चल रही है। आपको बता दें कि सिर्फ अरुण यादव ही नहीं, और इसके अलावा आरजेडी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे प्रेमचंद गुप्ता के दिल्ली और गुड़गांव स्थित भी आवास पर छापेमारी चल रही है। कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, और बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई लैंड फॉर जॉब मामले में की जा रही है। इसके पहले भी अरुण यादव का नाम आया था, जब सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई थी, ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि कई राबड़ी देवी के संपत्तियों को अरुण यादव ने परचेज किया था, और उसमें भी नाम मामला सामने आया था। और एक और जो बड़े बालू कारोबारी हैं, जो आरजेडी नेता हैं सुभाष यादव, उनके कई ठिकानों पर भी छापेमारी हो चुकी थी, और यह माना जा रहा था कि इसमें जो आज न कल इनके यहाँ छापेमारी होगी। तो सीबीआई की टीम अभी पहुंची है, कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के बारे में बताया जा रहा है कि कई कंप्यूटर जो हैं वो लैपटॉप सीज किए गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स की तलाश सीबीआई को है। हालाँकि अभी तक क्या मिला और क्या नहीं मिला ये इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की कार्रवाई आज सुबह शुरू हुई किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अचानक पौपट्टे के साथ सुबह 6 बजे सीबीआई की टीम 3 गाड़ियों और 1 बस में सवार होकर उनके पैतृक आवास पर पहुंची थी, और पूरे आवास को घेर कर उसके बाद सीबीआई की कार्रवाई अभी भी चल रही है। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।